तो ये लो भाई खाना बन गया, ये देखिए कैसे, ये गरम गरम खाना अपना और अपने। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, हम अभी गुलमर्ग में, देखिए आपको थोड़ा दिखा देता हूँ बाहर का नज़ारा। किया देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा एकदम मौसम भी बड़ा शांत है, तो मैं आपको थोड़ा सा घर दिखा देता हूँ। रिवर भाई, ये देखिए ये जो गाड़ी है यहाँ पे जो खड़ी हुई है, ये आई रात को, और वो जो उधर वाली गाड़ी है अल्टो, उन्होंने इनको बुलाया था। नाइन के पास टेंट था, टेंट मैंने दिया, नाइन के पास चावल थे बनाने के लिए, वो भी मैंने दिए, फिर उसके बाद में नाइन के पास मैं पानी था वो भी मैंने दिया, नाइन के पास में प्याज टमाटर थे वो भी मैंने दिए, नाइन के पास में फिर उसके बाद में बोलते हैं हमें सिगरेट दे दो, मैंने कहा भाई नहीं है, उसके बाद बोलते हैं अंडे दे दो, फिर भाई अंडे दे दिए, मतलब उसके बाद कहते हैं कि वो जो मसाले होते हैं वो दे दो, बताओ कि भाई कुछ भी नहीं, मतलब टेंट नहीं कुछ नहीं, कहाँ कहाँ रुकेंगे कहाँ, ऐसा भी होता है भाई ट्रैवल, मतलब हैरान रह गया। पंजाब वाले भी भाई। तो दोस्तों मैं अभी निकला हूँ अपने टेंट से और अपनी कार वहीं छोड़ के पीछे, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा साइड सीन्स के लिए। ये अपने सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर देखिए रमन, और मैं और वो इनके डैडी आगे जा रहे हैं अंकल, तो मैं इन्हीं भाइयों के साथ में आज घूमता हूँ थोड़ा साइड सीन के लिए, आपको भी दिखाऊंगा। ये देखिए गुलमर्ग कुछ ऐसा दिखता है, चलते हैं आगे। कितने टाइम का होगा ये हमारा ट्रैक? दो घंटे का ट्रैक है दोस्तों, ठीक है, मजा आने वाला है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो हमको देखने को मिलता है ये आर्मी ट्रेनिंग के लिए, देखिए क्लाइंबिंग के लिए जो होता है, और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, हाँ चिल्ड्रन पार्क, ठीक है, हेलीपैड है बीच में ये, हाँ हेलीपैड है। गन दिखाता हूँ मैं आपको, ये रखी हुई है, ये देखिए पार्क, उसमें फ्लावर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये देखिए गोंडोला केबल कार के लिए इधर से जाते हैं, तो हम भी इधर ही जाएंगे, थोड़ा आपको दिखाएंगे आगे, वो देखिए तो अगर आपको एटीवी गाइड करनी है तो वो भी यहाँ पे होती है दोस्तों, देखिए और इसका चार्ज होता है 1500 एक घंटे का। ये है स्टिंग हट, जहाँ पे
क्लासेस जो होती हैं यहाँ पे स्किंग जो होती है सर्दियों में सिखाई जाती है, जब यहाँ पे पूरे आइस होती है पूरे में, तो यहाँ पे वो रुकते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सीखने के लिए स्किंग। आगे फॉरेस्ट, आपको फॉरेस्ट दिखाएंगे, देखिए देखिए कितना अच्छा फॉरेस्ट है, बहुत ही प्यारा। और ये देखो क्या गंद पाई हुई है यहाँ पे भाई, ये सब मत किया करो यार यहाँ आके ना पहाड़ों में, इनका ध्यान रखा करो बस। पिकनिक मनानी है लेकिन तुम्हें अपना कूड़ा यहीं छोड़ के जाना है, वही शहरों वाली आदत। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, और ये हेलीपैड है इधर, जो स्किंग वाले आते हैं बाहर देशों से, यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर खड़ा करते हैं अपना। ये देखिए दोस्तों, आप गुलमर्ग आएँ तो थोड़ा टाइम निकाल के आएँ, कम से कम एक दिन जो आपको घूमने के लिए मिले, और आप पैदल भी घूम सकते हो जैसे मैं घूम रहा हूँ। इसी तरह मैं और रमन, रमनदीप सिंह ओके, ये देखिए नदी जा रही है यहाँ से बहुत बड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। छोटी नाली है। तो साइड सीन देख के हम आ गए थे अपने टेंट में वापस, और रमनदीप भाई अपने लिए आए थे खाना, और दोनों भाई खा रहे हैं खाना। एक्चुअली रमन की फैमिली आई हुई है तो इनको खाना ना बनाना पड़ता है ना कुछ, ये ले रहा है मजे पक अपना आराम से, बस खाना उठाया खा लिया, बस सही है। तो खाते हैं खाना फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों थोड़ा लेटने के बाद, दोपहर में आराम करने के बाद मैं फिर से हम हाजिर हैं, और हम आ गए हैं टॉप पे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टॉप, ये देखिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है, ये देखें पीछे भी, और अपने रमनदीप भाई बैठे हुए हैं पीछे, से बात करते हैं आइए। तो रमनदीप भाई क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। तो ये कौन सी जगह है जहाँ हम बैठे हुए हैं? इस पीछे वाला वो जो है, अच्छा ये फॉर्म है, ये वाला आलू फॉर्म है, ओके। तो और वो सामने आपके पीछे वो उसको टेंट कॉलोनी बोलते हैं। अच्छा भाई, जहाँ ये टेंट लगे हुए हैं उसको बोलते हैं टेंट कॉलोनी। हाँ, तो यहाँ पे मतलब रेंट पे मिलता है टेंट वगैरह, पर नाइट का चार्ज जो होता है रेंट, और हम अपना टेंट खुद लेके चलते हैं दोस्तों, एकदम मज़ेदार। सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि हम अपना टेंट खुद लेके चलते हैं, पूरा कैंपिंग का सामान, खाना बनाने का सामान, सब कुछ। चलो मिलते हैं अब। तो ये देखिए दोस्तों गुलमर्ग में, ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, ये जो है फ्लावर, ये देखिए, और ऊपर देखिए, ये देखिए और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको गुलमर्ग। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लालटेन, इसको हम जलाएंगे रात को, ये देखिए। और भाई खड़ा है यहाँ पे गन लेके, दिखाओ भाई, ये देखो ठा करके सारी जिंदगी ठा बली है। तो ये देखिए, तो दोस्तों एक और यूट्यूबर तैयार हो रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है इसकी, ये देखो भाई, ये हरमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह, सॉरी नहीं है ना, एक सेकंड में करता हूँ ना।
तो गाइस कैमरा आ चुका है आपके फेवरेट कैमरामैन के पास, मेरे पास। तो भाई कर रहे हैं कुकिंग, इन्होंने बोला हमारा भी थोड़ा कैप्चर कर लो, सीन मिल लो। चलो वो भी सही है। ये ऑयल में हमने जीरा डाल दिया है, ये हमारे थोड़े चॉप्ड ऑनियन पड़े हैं, और ये टमाटो रखे थे हमने मिक्सी में ग्राइंडर में, और ये मसाले का बैग। तो बनाते हैं, दिखाते हैं फिर आपको आगे का सीन, बने रहे ब्लॉग के साथ। करते रहना है ना प्रेस। तो ये देखो दोस्तों, तो हो रहा है अपना, बस ये बन रही है अपनी एग भूजी, मतलब एग की सब्जी बन रही है भूजी। तो क्या ये थोड़ी मतलब हो जाएगी गाड़ी, कोई चक्कर नहीं है, इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। जो भी अपने खाने ही है, आग लगा देंगे, भैंस आग लगा देंगे, आग रस पा देंगे। तो ये अपने रमनदीप भाई को अपने हम सिखाए, चल रही है ट्रेनिंग कंटिन्यू फुल। ये देखो बन गया सैफ, ये देखो सोफियों का खाना। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ तो भाई हाँ कोई नहीं, अपने भाई लोग अपने अपने भाई लोग। तो अभी हमने एग भी डाल दिए हैं और अपना बन रहा है खाना। तो अभी थोड़ी देर में बन के फाइनल होता है और फिर हाँ बोलिए बोलिए। सोलो कैंपिंग नहीं, डुओ कैंपिंग हो रही है। बिल्कुल, ये कम सोलो कैंपिंग है थोड़ी सी ना, कम है मतलब डुओ ज्यादा है। डुअल ज्यादा है। तो देखिए गाइस हमारी भुर्जी ये ड्राई होती हुई है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये पक रहा है, ये आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। तो ये लो भाई खाना बन गया, ये देखिए कैसे ये गरम गरम खाना अपना, और अपने रमनदीप भाई ये देखो, ये कुक, ये ट्रेनिंग पे है। और भाई खाना बहुत अच्छा बनाया भाई ने, और हम ये कश्मीरी रोटी और इसमें हम मेयोनीज लगा के और अब खा रहे हैं। और ये थोड़ी दही अपनी रखी हुई है उधर, खाते हैं। तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन, स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बताते हैं कैसा रहा खाना।